हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अलवी आपका दोस्त दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राशिद डिज़ाइंस में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कट स्लीव कुर्ती की फुल कटिंग। दोस्तों, अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से अपने कट स्लीव कुर्ती कटिंग कर सकते हैं। और ये आज की हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है अमन मावी जी की ओर से। ओके, तो उनके कहने पर आज हम आपको ये कट स्लीव कुर्ती कटिंग सिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें बारीकी से समझ सकें। तो दोस्तों, कुर्ती कटिंग करने के लिए ये हमारा मेजरमेंट है जो कि इस प्रकार है। लेंथ है हमारी 37 इंच, चेस्ट है 18 इंच, कमर है 14 इंच, हिप है 20 इंच, आस्तीन और मोहरी नहीं होगी क्योंकि कट स्लीव है, और जो हमारा तीरा होगा 14.5 इंच, और फ्रंट नेक 6.5 इंच और बैक नेक 7 इंच। ओके, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। लंबाई 37 इंच, छाती 18 इंच, कमर 14 इंच, हिप 20 इंच, आस्तीन और मोहरी नहीं है क्योंकि ये कट स्लीव है, और तीरा 14.5 इंच, सामने गला 6.5 इंच और बैक गला 7 इंच। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है जो कि हमने इस प्रकार डबल लेयर में फोल्ड किया हुआ है, और अब हमने देखना है इसका राइट और रॉन्ग साइड, यानी कि उल्टा और सीधा। ये हमारा अंदर की तरफ रॉन्ग साइड है और ये हमारा राइट साइड है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमारे रॉन्ग साइड है उसको हम बाहर के साइड ले आएंगे। ओके, अब हम इसको फिर से एक बार डबल लेयर में फोल्ड करेंगे। ओके, इस प्रकार फोल्ड करने के बाद अब हमारा कपड़ा 4 लेयर में फोल्ड है। ओके, अब हमने करना क्या है दोस्तों, सबसे जरूरी चीज एक बात समझ लें, कभी कभी किसी किसी कपड़े में जो आपकी किनारी होती है खिंचाव मारती है, तो हमने सबसे पहले निकाल लेनी होती है। ओके, इसको आप निकाल लें। इस प्रकार निकालने के बाद अब हमारा नॉर्मल कपड़ा है, और अब हमने पल्ला कितना लेना है, 20 इंच हमारे हिप है, जैसे कि हमने बताया 20 इंचेस हमारे हिप है, तो उसमें 4 इंच प्लस कर लेंगे, पल्ला भी हम 20 इंच ही रखेंगे। इस प्रकार 24 इंचेस पर हम निशान लगाएंगे और सीधा स्केल कर देंगे। सीधा स्केल करने के बाद हम यहां पे कैची लगाएंगे इस प्रकार, कैचे लगाने के बाद ये हमारा वेस्टेज कपड़ा है जो हमारा यूज में नहीं आएगा, नेक वगैरह बनाने में यूज में आएगा, इसको हम एक तरफ डाल देंगे। और अब हम जो हमारे कपड़े की रॉन्ग साइड है उसे हम बाहर की साइड लाएंगे और राइट साइड को अंदर की तरफ ले जाएंगे, और अब हम इसे डबल लेयर में इस प्रकार फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार हम इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इस तरह से इस पर नाखून लगा लेंगे और पूरे को हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, इस प्रकार फोल्ड करने के बाद अब हम सबसे जरूरी काम करेंगे, इस पर करेंगे प्रेस। प्रेस करने के बाद अब हम लगाएंगे इस पे निशान, और निशान लगाने के लिए इस प्रकार हम इंच टेप को रख देंगे और यहां पर एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। ओके, 6.5 इंच से कम लगा ले पर ज्यादा ना लगाए, और तीसरा दूसरा निशान लगाएंगे हम 14 इंच पर, तीसरा निशान लगाएंगे 21 इंच पर, और चौथा निशान लगाएंगे जो कि हमारे लेंथ का निशान होगा 37.5 इंच पर। एक बार मैं आपको बता दूं, ओके, पहला निशान होगा 6.5 इंचेस, दूसरा निशान होगा 14 इंचेस, तीसरा निशान होगा 21 इंचेस, और चौथा निशान होगा लेंथ का निशान होगा 37.5 इंचेस। ओके, इस प्रकार निशान लगाने के बाद अब हम इसमें इस प्रकार सीधा स्केल कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सीधा स्केल करने के बाद अब हम लगाएंगे अपने मेजर का निशान, जैसे कि हमारे हिप 20 इंच है तो पल्ला भी 20 इंच रखेंगे हम, तो 10 इंच पर निशान लगा लेंगे,
और हिप हमारे 20 इंच है, तो 20 इंच पे का हाफ यानी कि 10 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर हमारी 14 इंच है तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे, और चेस्ट हमारी 18 इंच है तो 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। ओके, अब आते हैं तीरे पर। तीरा हमारा कितना है, कितना रखना है? 6.5 इंच हमारा फ्रंट नेक है और 7 इंच हमारा बैक नेक है, तो इसलिए हम इस पे निशान लगाएंगे यहां पर 6.25 इंच पर। ओके, 6.25 इंच और यहां पर 5.25 इंच। इसके बाद हम इन सभी निशानों को सीधा स्केल कर देंगे इस प्रकार। ओके फ्रेंड्स, और यहां पर 1/4 इंच के करीब हम एक डाउन लगा लेंगे जो हमारे शोल्डर पर डाउन आता है, और अब हम आर्म होल की शेप देंगे, और उसके बाद हम इस प्रकार से एक निशान लगा लेंगे और यहां पर हिप पर शेप देंगे। ओके, हिप पर इस प्रकार शेप देने के बाद अब हम अपना हिप और पल्ले का जो निशान है इसको सीधा स्केल कर लेंगे, और उसके बाद हमारी जो कुर्ती है इसके निशान लग चुके हैं। एक बार फिर से हम आपको मेजर बता देते हैं किस प्रकार है। पल्ला हमारा हिप के अनुसार है, हिप हमारे 20 इंच है तो 20 इंच का हाफ 10 इंच पर पल्ले का निशान लगाएंगे, और हिप का निशान भी हम 10 इंच पर ही लगा लेंगे क्योंकि हिप हमारे 20 इंच है, तो 20 इंच का हाफ 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। कमर हमारी 14 इंच है, 14 इंच का हाफ हम 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, और चेस्ट हमारी 18 इंच है तो 18 इंच का हाफ 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर हम तो 1/4 इंच का डाउन ले लेंगे, और उसके बाद तीरा होता है, तीरे पे 6.25 इंच का निशान यहां पर लेंगे और 1 इंच डाउन करके 5.25 इंच पर निशान लगा देंगे। दोस्तों, इसके बाद हम प्लेट्स का निशान किस प्रकार लगाते हैं वो आपको सिखाएंगे, और प्लेट्स का निशान लगाने के लिए यहां पर हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे एक लेंथ का। ओके, और उसके बाद हम यहां से 3.5 इंच पर एक निशान लेंगे, और ये हमारी प्लेट का निशान है, और उसके बाद हम यहाँ पर 3.5 इंच का एक निशान लेंगे, और अपनी प्लेट की लंबाई कितनी लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 9 इंच की प्लेट लेंगे और एक सीधा स्केल कर देंगे। तो दोस्तों, ये तो है हमारी जो सीधी प्लेट होती है, स्ट्रेट प्लेट है वो डालने का तरीका, और इसमें आप साइड प्लेट डालना चाहते हैं इस प्रकार, साइड प्लेट डालना चाहते हैं इस प्रकार, तो साइड प्लेट डालने के लिए आपने करना क्या है, जो हमारी ये वाली प्लेट है इससे हम 1.5 इंच के करीब दूरी बना लेंगे इस प्रकार, थोड़ा इंची टेप को तिरछा लेंगे और इस प्रकार यहां पर एक प्लेट डाल देंगे। ओके, और यहां से तिरछा लेंगे, इसे आप चाहे तो थोड़ा और डाउन भी कर सकते हैं, पर यहीं पर लें क्योंकि यहीं पर अगर आप प्लेट डालेंगे तो आपके कपड़े में कहीं भी खिंचाव नहीं आएगा, बाकी आप ऊपर नीचे करें वो आपकी मर्जी है। ओके, और उसके बाद अगर आप आर्म होल यानी कि मुड्ढे में भी प्लेट डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपने करना क्या है, यहां से 1.5 इंच ऊपर ले निशान इस प्रकार, सीधा इंची टेप आपने रखना है। ओके, और यहां पर 1.5 इंच के करीब आप एक निशान ले लें, और इस तरह से आप प्लेट का निशान भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा प्लेटों का निशान। अब हम करते हैं कटिंग, और इसके बाद बताएंगे कि यही प्लेट बैक साइड में किस प्रकार ले जा सकते हैं, और उसके लिए हम सबसे पहले नीचे से जो हमारा कपड़ा एक साथ नहीं है इसको स्ट्रेट करेंगे, अब आ जाते हैं हम शोल्डर पे, और शोल्डर पे इस प्रकार निशान पर सीधा स्ट्रेट कटिंग करेंगे। ओके, और अब हम कर देंगे इसको थोड़ा सा डाउन, इस प्रकार डाउन करने के बाद अब हम लगाएंगे किस प्रकार हमने अपना आर्म होल की कटिंग करनी है। ये तो हमारा कुर्ती का पैटर्न है, जो आस्तीन वाली यानी कि बाजू वाली यानी कि स्लीव वाली जो आर्म होल होती है उसकी कटिंग होती है, और जो हमारी स्लीव लेस होती है उसमें हम गहराई यहां पर कम देते हैं, तो इस प्रकार हम गहराई कम देंगे। ओके, और ये हम अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के लिए इस प्रकार कटिंग करें। दोस्तों, इस प्रकार 1.5 इंच का दबाव छोड़ते हुए आपने अपने कपड़े की कटिंग कर लेनी है, और ऊपर से नीचे तक ही आपने कटिंग करनी है, और उसके बाद हम यहां पर जो हमारी लेंथ है यहां पर एक कट लगाएंगे, और जो हमारा हिप है यहां पर भी एक कट लगाएंगे, और जो हमारे चेस्ट का हिस्सा है यहां पर भी एक कट लगा देंगे, और ये कट लगाने के बाद अब हम यहां पर बीच सेंटर में एक कट लगाएंगे इस प्रकार। ओके, और उसके बाद हम यहां पर फ्रंट की साइड में हल्की सी गहराई देंगे,
और पीछे से गहराई को एक सार कर लेंगे, यानी कि गोलाई में कटिंग होनी चाहिए। अब हमारा ये वाला जो प्लेट है, इस प्लेट को हम बैक साइड में किस प्रकार ले जाएंगे ये हम आपको बताएंगे, और उसके लिए हम इस प्रकार अपने जो हमारी कमीज है उसके नीचे हाथ ले जाएंगे और जो हमारी ये वाले डार्ट का निशान है यहाँ पर एक इस तरह से दबा देंगे, वो इस वाले हिस्से पर भी इस प्रकार दबा देंगे। और दबाने के बाद अब हम अपनी कुर्ती को उठाएंगे, और उठाने के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर निशान आ गया है। ओके, कैमरे पे शायद आपको नजर ना आ रहा हो, पर आप इस तरह करेंगे तो निशान नजर आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपने इस हिस्से में और बैक साइड के दूसरे हिस्से में भी आपको अपने डार्ट्स लगा लेनी है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा निहायत ही खूबसूरत और बेहद आसान तरीका आर्म होल कटिंग करने का और प्लेट्स लगाने का। दोस्तों इस तरीके से आप जो आपकी स्लीव कट कुर्ती है और प्लेट्स वाली कुर्ती है बहुत ही आसानी से अपनी कटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी फिटिंग का जायजा आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो लाइक शेयर और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारे हर नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।